आज मैं बनाने वाली हूँ मावा से पराठे बच्चों को टिफ़िन में आप बना के दे सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो हमने यहाँ ढेर सारा ड्राई फ्रूट ले लिया है काजू है बादाम है किशमिश है काजू बादाम को हम घिस लेंगे इस तरीके से और किशमिश को छोटे छोटे पीस में हम इस तरह से काट लेंगे किशमिश ज़्यादा डालिएगा अच्छा लगता है खाने में तो मावा ले लिया हमने मावा को पहले हम तोड़ लेंगे अच्छे से घिसा हुआ काजू बादाम डाल देंगे और भुना हुआ सूजी डाल देंगे इसमें कोकोनट नारियल का बूरा डाल देंगे कुटी हुई इलायची डाल देंगे अब इन सारी चीज़ को डाल के पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ तो हमने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसका पराठे बनाएंगे आटा को मैंने पहले से गूंथ के रख लिया था जैसे घर में नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से आटा गूँथ लेना है और गोल गोल कटोरी की तरह हम इस तरह से बना देंगे और मावा का जो फिलिंग है इसे हम भर देंगे चम्मच से हल्का सा दबा देंगे और गोल गोल घुमाते हुए हम इसको बंद कर देंगे बंद करने के बाद दोनों हाथ के बीच से हम इस तरह से दबा देंगे और रोटी की तरह हल्के हाथ से हम बेल लेंगे इसे बाकी को भी इसी तरीके से हम पराठे बेल कर तैयार कर लेंगे तावे में हम रोटी डाल देंगे हल्के से सीखने देंगे जैसे हल्का सीख जाए इसे पलट लेंगे घी या बटर मनपसंद के साथ आप बना सकते हैं ये पराठे बनकर तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट बना है आप बच्चों को टिफ़िन में या लंच में भी आप ले जा सकते हैं इसे बाकी पराठे को भी इसी तरीके से हम बना लेंगे बच्चों को बहुत पसंद आएगा आप जरूर एक बार बनाइएगा ट्राई करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा आप